नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। हमारे साथ हैं मोहम्मद शेख जलील जी, जो कि नवरंग कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, आज जो यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, SC ST रिजर्वेशन और उनकी प्रोटेक्शन के लिए, तो पहले तो ये बताइए कि SC ST जो उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, वो क्यों दिया जाता है? SC ST रिजर्वेशन हिंदुस्तान में पहला मुसलमानों का रायदा था। 1909 से रिजर्वेशन 25% मुसलमानों का हिंदुस्तानी रिजर्वेशन था। बाद में भारत राज्यांग निर्माता अंबेडकर साहब ने 1947 अगस्त 15 से ये SC ST का रिजर्वेशन हुआ। उसी सिलसिले में रिजर्वेशन के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी जी ने ML माला महानाडु और MRPS मादी का रिजर्वेशन माला महानाडु दोनों को आपस में नरेंद्र मोदी जैसा लोग अगेंस्ट खिलाफ रिजर्वेशन निकालने का प्लानिंग बनाते, रिजर्वेशन रखने का प्लानिंग कांग्रेस वाला ने बनाते, नवरंग कांग्रेस पार्टी ने बनाती। हम यही कहने के लिए SC ST लोग नवरंग कांग्रेस पार्टी में शामिल हो और विधानसभा में राज्यसभा में जाएंगे, लड़ेंगे अपना रिजर्वेशन। जैसा शरीयत तरीकत मारिफत हकीकत में रहता है हर इंसान को। जो मणिपुर दुर्घटना हुआ, क्या हुआ मणिपुर दुर्घटना में, 2000 क्रिश्चियन चर्चेस ने जला दिए और 8000 लोग मर गए। नरेंद्र मोदी जी उधर नहीं गए। ये नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुत्व RSS भाव BR बजरंग दल का कम्युनिटी का प्रधानी है। ये हिंदुस्तान का नाम का तो है प्रधानी, लेकिन वो करता है हिंदू भावा जल। हिंदुस्तान में SC ST BC माइनॉरिटी सब मिलाकों का प्रधानी है नरेंद्र मोदी जी। इसीलिए इस देश में मोदी को हटाओ देश को बचाओ ये सिर्फ होता है EVM से। कल हम पीर के दिन इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, EVM हटाओ बैलेट से वोट दो बोल के हम नवरंग कांग्रेस पार्टी से दरखास्त करेंगे। और हम दिल्ली चलाते हैं, हमको भी प्रोटेक्शन होना है। दिल्ली आ गया तो हम चांदनी चौक पार्लियामेंट से लड़ने के लिए। हमने सुना सर आपके ऊपर अटैक भी हुए हैं। अपना बार 3-4 अटैक होते हैं। कहाँ पे हुए सर? आंध्रा में रहता है, तमिलनाडु में होता है, कर्नाटक में होता है। कहाँ हुए? अभी कल आंध्रा में हुआ है। तो आपने इसकी एप्लीकेशन नहीं दी थाने में? थाना में दी, DGP को राजेंद्रनाथ रेड्डी बोल के DGP को दिया है। इलेक्शन कोई प्रोटेक्शन वगैरह चाहिए? अभी तो जरूर दे देंगे, सरकार ने दे देंगे। सर नहीं दिएगा तो उनको ही प्रॉब्लम हो जाता है। अभी दिल्ली में हम इलेक्शन लड़ना बोले तो अपन उनको प्रोटेक्शन चाहिए। मैं नेशनल पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ। आपको अटैक क्यों कर रहा है कोई? क्यों आपको मतलब आपके साथ? बीजेपी का चाल है, हम जिधर जाता उधर रिजर्वेशन बोलता मुसलमानों का 12%। तो वो रिजर्वेशन तो वो लोग भी दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। रिजर्वेशन कहाँ मिल रहा है? रिजर्वेशन 1909 से चलाता है अंग्रेजी वाले ने मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया। अभी आंध्रा कर्नाटक में 4% रिजर्वेशन था। वो रिजर्वेशन के निकालने के लिए भी अगर बीजेपी आ गई तो कर्नाटका तेलंगाना में हम बीजेपी 4% मुसलमानों का शेख सैयद पठान मुगलों का रिजर्वेशन निकालते। खुद बोल रहे वो लोग, मोदी जी बोल रहे, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब बोलने लगे हम मुसलमानों का SC ST लोगों के अवेयरनेस करके 543 पार्लियामेंट सीट लड़ने के लिए नवरंग कांग्रेस पार्टी से दिल्ली चलाए। तो सर अब चुनाव भी आने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे? चुनावों से हम यही कहेंगे SC ST BC माइनॉरिटी लोगों से जोड़ के 543 पार्लियामेंट लड़ने वाले हैं। दिल्ली चांदनी चौक पार्लियामेंट से लड़ने वाला हूं मैं। जो इश्यू लेकर आप यहां पे बैठे हैं आज, SC ST रिजर्वेशन का और प्रोटेक्शन का है। क्या उनको प्रोटेक्शन और रिजर्वेशन आगे और मिलेगा? और नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए। प्रोटेक्शन तो कहाँ है सर? प्रोटेक्शन के हिंदुस्तान में कोई इंसान को प्रोटेक्शन नहीं है। महिला लोग भी प्रोटेक्शन नहीं है, दलित लोग को भी प्रोटेक्शन नहीं है, BC लोग को भी प्रोटेक्शन नहीं है, मुसलमान लोगों को भी प्रोटेक्शन नहीं है। हम प्रोटेक्शन चाहते हैं सरकार से। अभी आंध्र प्रदेश से जो लोग यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं, इश्यू जो है वो शेड्यूल टाइप का रिजर्वेशन कितना परसेंट रिजर्वेशन है बोले तो जो माला महानाडु है MRPS है दोनों का रिजर्वेशन है, दोनों को हिस्सा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोलते,
एक लोगों को एक कास्ट वालों को रिजर्वेशन रखता है, एक कास्ट वालों को रिजर्वेशन तो निकाल डालता है, उसको वर्गीकरण बोलते हैं, ऐसी वर्गीकरण वैसी वर्गीकरण में दोनों प्लान बन के करा रहे हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी दे चुके हैं, उसका खिलाफ है। अभी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का खिलाफ कर रहे हैं, इसीलिए एससी एसटी लोग उनका प्रोटेक्शन मांग रहे। इसी सिलसिले से आंध्र से तक अभी जीत जाते तो आप क्या करेंगे? हम जीत जाते तो जो कार्रवाई है वो करेंगे, जैसा कार्रवाई है वो लोगों को एससी एसटी का जैसा सप्लान है उनका जो मैन पावर है वो मैन पावर के साथ जोड़ के मैनिफेस्टो बना के करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद।